फ्रूट राइड के लिए फालूका राइड जिसको यहाँ पर फालूका कहते हैं उसकी लैंग्वेज क्या है। सुबह का माहौल है, चिड़िया शेर शेर कर रही है, आपको सुनाई दे रही होगी। और फिर वही गांव की गलियों से होते हुए बोटिंग का मज़ा लेने हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पर किस रेट में हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की बार्गेनिंग बहुत चलती है, बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। जितना ही बोलते हैं उसका आधा प्राइस बोल दो आप। दोस्तों तो ये है नदी का किनारा, हम लोग इस आइलैंड पे आए बैठ खड़े हैं। उस आइलैंड से सिटी में जाने के लिए ये बोट का यूज़ करना पड़ता है, जो 5 इजिप्शियन पाउंड एक का टिकट है एक तरफ जाने का। अगर वापस आना है तो आपको 5 इजिप्शियन पाउंड देने होंगे। और यहाँ से आप दूर तक नज़ारा देख सकते हैं, सुंदर नज़ारा। इतनी सारी बोट खड़ी है जिसमें अलग अलग टाइप की बोट खड़ी है, कुछ बोट वाली भी है और कुछ ये ऐसी छोटी बोट है। अभी हम नीचे उतर के आपको सामने जो यहाँ पर शिप पार्क की अभी दिख रही है, ये आपका मोस्ट लक्सर से आसमान पहुँचने का एक ये भी साधन है। आप शिप से भी क्रूज से भी लक्सर से आसमान आ सकते हैं। जो 3 दिन का ट्रिप होता है उसमें आपको बीच बीच में जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट है वो आपको कवर करते हैं। और 3 दिन के इस शिप क्रूज के 25,000 से 30,000 पर पर्सन है, जिसमें आपका ऑल मील और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है उनके टिकट वगैरह सब कहाँ दिन हो रहे हैं। तो मीन्स आप अब हम लोग जा रहे हैं फलू कर रहे हैं हमारे। कितना ब्यूटीफुल सीन है, दिल तो वहाँ अटका हुआ है। हाँ दिल तो पागल है। इधर इधर आओ, यहाँ पे धूप में जो उसका शेरटन पहले नाम जो पहले शेरटन था वो अभी चेंज होके हो गया है मोम्पिक होटल। और हम बैठे हैं फलुका में, जिसका ऊपर से आप सीन देख सकते हैं। सेल बोट हवा नहीं होने पर इसको फिर हाथ से भी चलाना पड़ता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद हवा नहीं आ रही है और ये नए कैप्टन साहब सिखाओ इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना हैवी है? हाँ हाँ रहन दो। बोट राइड करते करते करीब 1 घंटा हो चुका है, 9:50 हो चुके हैं। और अभी मेरे राइट साइड में जो आपको सामने दिख रहा है वो बोटानिकल गार्डन है। अगर आप वहाँ चाहो तो स्टॉप ले सकते हो और कुछ फोटोग्राफी करना तो कर सकते हो, लेकिन हम लोग वहाँ भी रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग सिर्फ सेल करने वाले हैं। हमारी ये सेल बोट का एक्सपीरियंस पहली बार हम लोग कर रहे हैं। इस बोट में हम लोग कभी बैठे नहीं थे, इसको यहाँ पर फलूका कहते हैं, अरबिक में फलूका कहते हैं। और इंग्लिश में सेल बोट जो है वो ये और सामने ये बोट मोस्टली चलती है, जो इंजन से चलने वाली है। उसमें हम लोग काफ़ी बार बैठ चुके हैं इस पार से उस पार जाने में, तो हमने सोचा कि इसका एक नील नदी का पूरा एक राउंड 1 घंटे और 2 घंटे में पूरा होता है। तो हमने ये सेल बोट पर बैठ कर हम लोग
इंजॉय कर रहे हैं अभी। देख सकते हो जैसे हम पानी के बीच में हैं और चारों तरफ आइलैंड ही आइलैंड दिख रहे हैं। सब कुल मिला के यहाँ पर करीब छोटे मोटे मिलाकर 20 आइलैंड हैं। सामने भी आप देख रहे होंगे वो मोटर बोट्स चल रही है, बहुत सारी मोटर बोट्स भी चल रही है। सामने गार्डन तो दिख ही रहा है, बच्चे आप देख सकते हो किस छोटे छोटे बच्चे अपनी सेल्फ बोटिंग कर रहे हैं, आपको एंटरटेन भी करते हैं, गाना गा के सुनाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। और अगर आप चाहो तो उनको कुछ पैसे दे सकते हो आपकी इच्छा। सामने ऊपर बर्ड्स भी उड़ रहे हैं जो बड़े अच्छे लग रहे हैं। सामने पहाड़ के ऊपर एक टोम्ब दिख रहा है, बोरा। और इसका पूरा ऐसा गोल एक चक्कर लगाने में 2 घंटे लगते हैं, जो हमारा आधा टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, आधा टाइम बाकी है। इसकी स्पीड कम रहती है, इसके लिए इसको क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है। अगर आप मोटर बोट में बैठते तो शायद ये आधे घंटे में भी हो सकता है, जिसका हमने 2 घंटे की ड्राइव का हमने 150 इजिप्शियन पाउंड पे किया है। 200 बोल रहे थे लेकिन हमने थोड़ा बार्गेनिंग करा है, सीख रहे थोड़ा बार्गेनिंग करने का। आप चाहो तो 100 में भी बैठ सकते हो, डिपेंड आपकी बार्गेनिंग की कैपेसिटी कितनी है। अगर आप ये हमने प्राइवेट लिए, अगर आप शेयरिंग लेते हैं तो आपको और भी शायद रिजनेबल प्राइस में आपको मिल सकता है, लेकिन हमने ये प्राइवेट जिसमें हम आराम से अपने हिसाब से इधर से उधर घूम सकते, डांस कर सकते हैं। पानी रे पानी कैसा, एक डॉलर है दे दो। ये बच्चे देखो यहाँ पर बोटिंग करते, किसी से गाना गा के पैसे मांगते हैं, जैसे एंटरटेन कर रहे हैं। हमारे 2 घंटे की सेलिंग करीब करीब अब पूरे होने वाली है। आप जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं किनारा आने वाला है, और हमारी सेल बहुत अच्छी रही। बीच में हवा एक जगह बंद हो गई थी, पतवार का यूज़ करके इसको चलाया गया, और अब वापस हवा के साथ चल रही है, सेलिंग हो रही है इसकी। और एक पहली बार इस तरह की सेल बोट में बैठने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ये आइलैंड काफ़ी बड़ा है। तो आप जैसे देख सकते हैं हम लोग किनारे पे पहुंचते हुए ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहाँ। बच्चे वो मुझे बोट चला रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, वो मस्त है, छोटे छोटे बच्चे के छोटे छोटे बोट चला रहे हैं यार। और मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं इतनी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं लाउड म्यूजिक के साथ में, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, मस्ती वाला एनवायरनमेंट। अगर आपके पास यहाँ पर बड़ी कंपनी बड़ा ग्रुप मस्ती है तो आप फुल के मस्ती कर सकते हो। और मेरा ये प्राइवेट यॉट्स में बैठने का एक्सपीरियंस, हालांकि सेल बोट है पर मैं इसको कहूँगी यॉट में बैठे हम लोग, और बहुत ही अच्छा रहा किनारे पहुँचते हुए। अब भूख प्यास दोनों लग रही है, नाश्ता हमारा हुआ नहीं था सुबह क्योंकि हम लोग जल्दी उठ के यहाँ पर आ गए थे सेलिंग के लिए, लेकिन वर्थ है। अगर आप इतना 150 इजिप्शियन पाउंड खर्च करते हैं 2 घंटे के लिए,
तो इस बार मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है प्राइवेट बोट प्राइवेट सेलिंग। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।